और अंकिता में हो चुकी है बड़ी लड़ाई, जहाँ पर अंकिता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पहले से ही आया हुआ है, क्योंकि अंकिता को इसने डोमिनेटिंग बोला, मनारा ने अंकिता को फेक बोला, अंकिता को कनिंग बोला। ये बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दी थी। अब जो है मनारा बाहर गार्डन एरिया में बैठी थी, तो वहीं पर जो है अंकिता आ जाती है। मनारा का कहना ये है कि मेरे पीछे पीछे आ रही है, अब तू मुझे भाव क्यों दे रही है, इतना ज़्यादा तो तू बोलती ना कि भाव नहीं देना, इसको वैल्यू नहीं देनी, अब तुम क्यों दे रही हो, मेरी बातों में तुम क्यों अटक रही हो। जहाँ पर वो ये बात खोलती है और खानजादी के सामने भी ये बात खोलती है कि करेक्टरलेस बोला, और ईशा ने बताया है अंकिता लोखंडे को कि इसने, मनारा ने आपके बारे में बोला कि आप सिंकिंग हो, यानी कि जो वर्ड यूज़ किया है मनारा का, मतलब ये है, मनारा का कहना ये नहीं, मैं ये नहीं बोल सकती। तो ईशा चढ़ गई, नहीं तूने मेरे सामने बोला है, मुझे पता है मैं थी वहाँ पे, मनारा झूठ मत बोल, तूने मेरे सामने बोला है। तो मनारा ने बोला ठीक है, अगर बोला भी है तो सिंकिंग यानी कि अच्छी सिंकिंग, उसमें क्या है। पर इस चीज़ का गलत मतलब निकाल चुकी है अंकिता लोखंडे। अंकिता का कहना ये है कि सिंकिंग का मतलब है नीचे गिरना, नीचे गिर के बात करना, कि मनारा बोलती है कि अंकिता नीचे गिर के बात करती है। पर अब अंकिता का कहना ये है कि मनारा खुद बहुत ज़्यादा फेक है, मनारा जो है हर किसी के बारे में बुराइयाँ करती है, जहाँ पर भी जाती है बस उसको बुराई के अलावा और कुछ नहीं आता है उसका। मैंने पावर से बाहर निकाला, मैंने अपने दोस्त को भी निकाला तो वो मेरे पास आया, मैंने उसको वैलिड रीज़न दे दिया। अभी तू अगर मेरे पास आती तो मैं भी तुझे वैलिड रीज़न भी दे देती, और मैंने वहाँ पर भी तुझे कुछ गंद नहीं बोला था, मैंने बहुत अच्छी बात बोली थी तुझे निकालते वक्त कि अभी ये कैपेबल नहीं है इस पावर को लेने के लिए, पर तूने मुझे क्या क्या सब चीज़ें सुनाई हैं, क्या क्या सब चीज़ें बोली हैं। मनारा का कहना ये है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, ऐसा सब चीज़ें हैं, जाके फुटेज देख लेना बाहर जब जाओगी। तो अंकिता का कहना ये है कि मैंने तेरे पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी वैसी बातें तो हुई है, पर मैंने तुझे गंदा कभी नहीं बोला है, मैं भी फुटेज देखूंगी, मैं भी देखूंगी, और तू भी देखना कि मैंने तेरे पीठ पीछे कितना गंद बोला है और तूने मेरे पीठ पीछे कितना गंद बोला है। आज तो भाई मनारा का शायद दिन खराब है या क्या है, मनारा के ऊपर तो सब लड़कियां जो है तांडव कर रही हैं, और मनारा खुद एक वॉरियर बन के खड़ी है और सबका जवाब दे भी रही है और आराम से बैठी है दे रही है। और पूरा कंटेंट आज मनारा का है, पर ये कंटेंट दिखाया नहीं जाएगा, हो सकता है कि दिखा भी दिया जाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।